नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक वर्मा। जैसे कि आप जानते हैं, आई एम फ्रॉम कैटेक। स्वागत है आपका ऑटोकैड 2018 के सिक्स्थ लेसन में। मेरे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया पॉलीगन के बारे में। सिक्स्थ लेसन में मैं आपको बताने वाला हूँ एलिप्स क्या होता है, उसके बारे में बताने वाला हूँ, और सेकेंड में बताने वाला हूँ आपको आर्क के बारे में। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज, अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं और बेनिफिशियल वीडियो आपके लिए लाता रहूं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं एलिप्स के बारे में। एलिप्स जो रहता है वो कुछ इस टाइप की शेप रहती है कि अगर आपको कोई इस टाइप की शेप बनानी है, ये वाली शेप यहाँ पे। अब जब ये शेप बनती है, एक्चुअल में क्या होता है कि अगर कंप्लीट एक सर्कल अगर आप बनाते हो, आपके पास कोई सर्कल है, तो वो कंप्लीट एक सर्कल बनता है जिसका कंप्लीट डायमीटर एक होता है और रेडियस कंप्लीटली एक होता है। जो आपका एलिप्स है, मान लो मेरे को 100 बाई 50 का एक एलिप्स चाहिए, ये साइड 100 है, ये साइड 50 है। अगर मैं बात करूं तो ये डायमीटर है 100 हुआ, ये डायमीटर आपका 50 हुआ, ये रेडियस आपका 50 हुआ, ये रेडियस आपका 25 हुआ। क्लियर है दोस्तों? तो जैसे ही हम एलिप्स बनाएंगे तो मेरे से क्या पूछते हैं, ये आप शॉर्टकट यूज करेंगे EL एंटर। जैसे ही आप EL एंटर करेंगे तो आपसे पूछते हैं स्पेसिफाई एक्सिस एंड पॉइंट ऑफ एलिप्स। एक्सिस एंड पॉइंट का मतलब होता है कि आपसे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मान लो मेरे को 100 बाई 50 का एक एलिप्स बनाना है, तो आप यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्लिक करें। जैसे ही फर्स्ट पॉइंट क्लिक करेंगे आप ऑर्थो ऑन कर लें। नेक्स्ट पॉइंट पे आपसे देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, स्पेसिफाई अदर एंड पॉइंट। अदर एंड पॉइंट का मतलब वो यहां से यहां तक का डिस्टेंस पूछ रहा है, तो आपने वो प्रोवाइड किया 100 एंड एंटर। एंड सेकेंड टाइम में वो जो डिस्टेंस पूछ रहा है वो सेंटर से पूछते हैं, जो दोस्तों अगर आप 50 डाल देते हैं तो ये कंप्लीट आपका एक सर्कल बन जाएगा। तो मेरे को जो सेंटर से डिस्टेंस चाहिए वो ये वाला डिस्टेंस चाहिए, ये वाला, तो मैं यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ 25, तो आपका एलिप्स बनेगा। अगर मैं आपको यहाँ से मैं इसको 100 लेता हूँ एंटर, और यहाँ से मैं इसको 50 डाल देता हूँ, तो वो कंप्लीट एक सर्कल बनाएगा, क्योंकि वो रेडियस अगर आपने 50 डाल दिया तो डायमीटर आपका 100 हो गया, तो ये भी 100, ये भी 100, तो आपका कंप्लीट एक सर्कल बन जाएगा। क्लियर है दोस्तों? अब सेकंड कंडीशन में जो आप यहां से एलिप्स बना सकते हैं वो है कि मैं दोनों डिस्टेंस चाहता हूं कि वो सेंटर से ही प्रोवाइड करें। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, EL एंटर करें। EL एंटर करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है सेंटर, आप C एंटर करें। आप जो पूछते हैं स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ आर्क, आप क्लिक करेंगे, सेंटर पॉइंट हुआ, एंड पॉइंट यहाँ से। अब यहाँ पे आप रेडियस प्रोवाइड करेंगे, जो आप सेंटर से होगा वो होगा 50, एंटर, और यहाँ पे आप डालेंगे 25 जो सेंटर से होगा। आप ऐसे भी रेडियस बना सकते हैं, आप ऐसे भी एलिप्स बना सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? आप ऐसे एलिप्स बना सकते हैं। अब आपने एल एंटर किया, एल एंटर करने के बाद अब आपको अगर डायमेंशन चेक करनी है तो आप DLI एंटर करके आप इसकी डायमेंशन चेक कर सकते हैं कि ये आपका 100 है, और सेंटर से अगर आप चेक करना चाहते हैं तो सेंटर से चेक कर सकते हैं कि 25 है। ये आप अगर आप कंप्लीटली चेक करना चाहें तो ये आप चेक कर सकते हैं 50 है। आप यहाँ से ये चेक कर सकते हैं कि आपका ये कितना है, ये आपका 50 है, आप ये चेक कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? ये आपका 50 है और कंप्लीट आपका 100 है। एक और ऑप्शन होता है EL एंटर करके, आपका जो यहाँ पे आर्क है, अगर आप A एंटर करते हैं तो एक्सिस सबसे पहले वो एक्सिस एंड पॉइंट पूछता है, जो आपका 100 है। अगर मैंने यहाँ पे 100 प्रोवाइड किया एंटर, फिर वो सेंटर से पूछता है कितना है, 25 मैंने एंटर किया। अब वो क्या करता है, अब वो पूछता है कि आपको यहाँ से कितनी आर्क चाहिए। अगर आप ऑर्थो ऑफ करते हैं, आप जहां पे भी क्लिक करते हैं वहां से वो उतनी आर्क बनाना स्टार्ट करेगा। आप इतना एलिप्स बना सकते हैं जो आपको, अगर इतना एलिप्स चाहिए यहाँ से। क्लियर है? ये आपका होता है कि आप एलिप्स कैसे यूज कर सकते हैं, आप एलिप्स कैसे बना सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? सेकंड मैं आपको बताता हूं आर्क आप कैसे बना सकते हैं। आर्क क्या होती है, अगर मैं हिंदी में बात करूं, आर्क को बोलते हैं चाप। अगर आपको चाप लगाना है, ये एक सर्कल का पार्ट होता है। क्लियर है दोस्तों? मान लो मेरे पास एक लाइन है, आपने एक लाइन लगाई, आपने कोई भी एक लाइन लगाई, मेरे को सिंपल एक ऐसे आर्क लगानी है, तो आप शॉर्टकट यूज करेंगे ए एंटर। ए एंटर करने के बाद ये बोलेगा स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ आर्क। अब हम इस लाइन में स्टार्ट पॉइंट मैंने ये लिया, अब इसने पूछा सेकंड पॉइंट, मैंने सेकंड पॉइंट ये लिया, एंड एंड पॉइंट, एंड पॉइंट मैंने ये लिया, मेरी आर्क बन गई। तो दोस्तों आप ऐसे प्रैक्टिस मत करेंगे, फर्स्ट पॉइंट ये लिया, सेकंड पॉइंट ये लिया, और थर्ड पॉइंट ऐसे ढूंढ रहे हैं कहाँ पे है। क्लियर है? फर्स्ट पॉइंट दिस वन, सेकंड पॉइंट दिस वन, और थर्ड पॉइंट दिस वन, ऐसे आप आर्क बना सकते हैं। क्लियर है दोस्तों?
सेकेंडली, आर्क सिर्फ इस वे में नहीं बनती, आर्क बनाने के लिए आपके पास काफी कंडीशंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपके पास एक लाइन है, ऐसे एक लाइन आपके पास यहाँ पे है, आपको गिवन है स्टार्ट पॉइंट, आपको गिवन है एंड पॉइंट, और आपको गिवन है 60 डिग्री का एंगल। क्लियर है? अब स्टार्ट पॉइंट ये, क्यों हम स्टार्ट पॉइंट इसे भी तो बोल सकते हैं, बट दोस्तों आपको पता है कि जो आपके एंगल्स रोटेट करते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। अगर यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 90 है, फिर यहाँ पे 180 है, फिर यहाँ पे 270 है। तो अगर हम इसको स्टार्ट पॉइंट करते हैं तो वो आर्क को ऐसे बनाएगा, अगर हम इसको स्टार्ट पॉइंट करते हैं तो वो आर्क को ऐसे बनाएगा। मैं दोनों एग्जाम्पल्स आपको बता देता हूँ। अब मेरे को चाहिए स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट और एंगल। अब ए एंटर करके मेरे को यहाँ पे कोई ऐसे ऑप्शन नहीं नजर आते हैं कि स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, एंगल रहेगा। आप यहाँ पे जाएं, क्लिक करें, यहाँ पे जाने के बाद इतने सारे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप आर्क लगा सकते हैं। अगर मेरे को चाहिए स्टार्ट एंड एंगल, दिस वन, आप स्टार्ट पॉइंट पे क्लिक करें, ये रहा मेरा स्टार्ट पॉइंट, ये रहा मेरा एंड पॉइंट, और एंगल होगा 60। 60 मैंने यहाँ पे बोला कि 60 एंगल, एंटर किया तो 60 एंगल वहां पे मैंने प्रोवाइड किया। अब जब 60 एंगल मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया, अगर मैं देखना चाहता हूँ तो मैं इसका एंगल नोट कर सकता हूँ DAN एंटर करके, एंगुलर डायमेंशन करके। क्लियर दोस्तों? एंड अगर मेरे को गिवन है स्टार्ट एंड एंड रेडियस, तो आप यहाँ पे स्टार्ट एंड एंड रेडियस पे क्लिक करके स्टार्ट पॉइंट दिस वन, एंड पॉइंट दिस वन, एंड रेडियस डाल सकते हैं 60। अगर मैं स्टार्ट पॉइंट इसको ले लेता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे स्टार्ट एंड रेडियस लिया, स्टार्ट पॉइंट मैं इसको लेता हूँ, एंड पॉइंट इसको लेता हूँ, और रेडियस लेता हूँ 60 का, तो वो नीचे से ही ऐसे बनाएगा। तो ध्यान रहे दोस्तों, जब भी आप एंगल का यूज करते हैं तो आप स्टार्ट पॉइंट इससे लेंगे, एंड पॉइंट इसे लेंगे, आप एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। अगर आप यहाँ से ऐसे लेना चाहते हैं और यही आपने स्टार्ट पॉइंट लिया है, तो आप -60 एंगल डाल देंगे तो आपका ऐसे यहाँ पे आ जाएगा। तो इतने सारे ऑप्शन है आप बनाने के लिए, स्टार्ट, सेंटर, एंड पॉइंट। अगर आपको गिवन हो, मान लो आपके पास, मैंने इसको डिलीट किया, मेरे पास सेंटर पॉइंट गिवन है, एंड स्टार्ट पॉइंट गिवन है, एंड पॉइंट गिवन है, तो मैं इसके हेल्प से बना सकता हूँ स्टार्ट एंड। इसने पूछा स्टार्ट पॉइंट ऑफ, अगर मैंने बोला ये रहा सेंटर पॉइंट दिस वन, एंड एंड पॉइंट दिस वन, तो आपका यहाँ पे आर्क बन जाता है। तो आर्क की बहुत सारी कंडीशंस है, जो भी कंडीशंस आपको गिवन हो उसी के अकॉर्डिंग आप अपना आर्क बना सकते हैं। क्लियर दोस्तों? आशा करता हूँ मेरी दी हुई जानकारी आपको सही लगी होगी, आपकी नॉलेज और इंक्रीज हुई होगी। तो प्लीज दोस्तों, अगर आपको किसी भी चीज में प्रॉब्लम फेस हो रही है, आपको आपको टॉगल बटन्स में कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है, आपका ऑर्थो मोड काम नहीं कर रहा, या आपको कुछ यहाँ पे कुछ इस टाइप में आपको नजर आ रहा है कि आपको डायनेमिक इनपुट्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं, आपके ग्रीडिंग आपको शो नहीं कर रहे हैं, इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप मेरे को कमेंट्स में उन चीजों को बता सकते हैं। क्लियर दोस्तों? मैं आपकी कंप्लीट हेल्प करने की ट्राई करूंगा। सो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। प्लीज बने रहे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि मैं और वीडियोस आपके लिए लाता रहूं।